service message. Zubur 119. Zubur 119. उसकी आयत नंबर 24 लिखा है, तेरी शहादतें मुझे मरगूब हैं और मेरी मशीर पाकलम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और समझे जाने पर खुदा मन की सहायता। आमीन 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 हालेलुया आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि खुदा का जो कलाम है वो हमारा एडवाइजर है, काउंसलर है, सलाहकार है, मुशीर है। जिंदगी में हर इंसान को जरा कान खोल कर रखना और बातें गौर से सुन, आपस की बातें करना बिल्कुल छोड़, एक दूसरे की तरफ तवज्जो करना छोड़ दें, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, आप बरकत पाएंगे। अगर इसको समझेंगे तो आज आपको बरकत मिलेगी, आपकी जिंदगियों में बहाली आएगी, आपकी जिंदगियों में खुशहाली आएगी, आपकी जिंदगियों में कामयाबी आएगी, आपके जिस्म से बीमारियां जाएंगी। इस कलाम को समझें और गौर से सुनिए। जिंदगी में हर इंसान को मशवरे की, सलाह की, राय की जरूरत रहती है। हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कैसे किया जा सकता है, कैसे होगा, ये बातें हम सोचते रहते हैं। हर इंसान मशवरे के लिए हर वक्त कोशिश में लगा रहता है और हर इंसान को सलाह की जरूरत है, राय की जरूरत है, मशवरे की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी बातें इसके तल्लक से कही गई है। मैं हवाला जात आपको बताता जाऊंगा, अगर आप चाहें तो नोट करते जाएं, क्योंकि आप इसको घर में जाकर पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा, आसान होगा। मैं सिर्फ चंद बातें खुशगुजार करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आए। दूसरा सैमुअल 15 बाब उसकी 12 आयत, पहला सलातीन उसका 12 बाब 1-9 आयत तक ये निकले अपने पास, घर में जाकर खुशबू पढ़े। हम लोगों के मशवरे के जरूरतमंद रहते, हर शख्स एक दूसरे के मशवरे का जरूरतमंद है। मिसाल के तौर पर अगर हम बीमार हैं तो हम उस बीमारी का इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, करते हैं कि नहीं, ऐसा ही होता है। या अगर किसी ने घर बनाना है तो वो किसी बिल्डर के पास जाएगा तो घर बनाते हैं, उससे मशवरा करेगा। अगर किसी ने शादी का खाना बनवाना है तो कैटरिंग वालों के पास जाएगा, साथ सलाह मशवरा करेगा, ऐसे ही है। बच्चे का नाम जब वो पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश पेस्टर से हम मशवरे शुरू कर देते हैं। बच्चा जब घर में पैदा होने वाला होता है तो मशवरे शुरू हो जाते हैं, कपड़े क्या लाए जाए, कौन से रंग के लाए जाए, कैसे लाए जाए, क्या उसको पहले दिन पहनाएंगे। फिर जब वो पैदा होता है, बच्ची हो या बच्चा, बेटा हो या बेटी, फिर नाम के लिए हम मशवरे शुरू कर देते हैं, उसका क्या नाम रखें, कैसा नाम होगा, फिर हम मशवरे शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही है ना। हर शख्स को जरूरत है, यानी पैदा होने से लेकर बुजुर्ग जब वफात पाता है उस वक्त तक हम मशवरे करते हैं। शख्स बुजुर्ग होकर जब मर जाता है तो उसके दफनाने के लिए भी हम मशवरे शुरू कर देते हैं, किस कब्रिस्तान में जाएं, कैसे जाएं, उसको कहें, फलां करें, ऐसे होते हैं।
ऐसे करते हैं कि हमें एक दूसरे के मशवरे की ज़रूरत है। और बुजुर्ग कहते हैं कि द्वार को भी मशवरा ले जाए, कोई ना लभे तो द्वार ने मशवरा कर लिया, ऐसे ही है ना। द्वार से भी सलाह ले सकते हैं, मशवरा कर। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बड़ा मास्टर हूं, जितना मर्जी कोई मास्टर हो वो अकले कुल नहीं है, उसका मशवरा बातल भी हो सकता है, मशवरा सलाह देने वाले वो मशीर सलाहकार कहते हैं, काउंसलिंग एडवाइज। दुरुस्त मशवरा सलाह कामयाबी और भलाई के लिए जरूरी। अगर मशवरा गलत हो जाए किसी के साथ, या किसी से सलाह गलत ले ली जाए, या कोई आपको राय गलत दे दे, आपको गलत मशवरा दे दे, आपकी सलाहकारी गलत कर दे, तो क्या हो? सलाहकारी गलत हो जाए, मशवरा गलत हो जाए, खानदान टूट जाए, इंसान टूट जाता है, कलीसियाँ टूट जाती हैं, कौमें टूट जाती हैं, बंटवारा हो जाता है गलत मशवरे से। साल की किताब उसका 11 बाब 14 इतने वाले 24 बाब लिखी है, जरा जल्दी से पढ़ें। इंसान 11 बाब 14 है। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाह की कसरत में सलामती है। नेक सलाह के बगैर क्या होता है? तबाह हो जाते हैं लोग, खत्म हो जाते हैं लोग। जी जो इस बात की 6 पढ़े जल्दी किसी इंसान को। क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। नेक सलाह करके हम जंग कर सकते हैं और सलाहकारों की जो कसरत है उसमें क्या है? अच्छे सलाहकार ढूंढने चाहिए, अच्छे लोग सलाह के लिए बुलाएं, अच्छे लोगों से राय लें, अच्छे लोगों के साथ मशवरा करें। गलत लोगों के साथ अगर आप मशवरा लेंगे, सलाह करेंगे, राय लेंगे, तो आप नुकसान करेंगे। बाइबल मुकद्दस में पहला सलातीन 12 बाब 1-33 आयात, ये घर जाकर बाइबल किसको पढ़े बाप को, वहां पर दाऊद बादशाह के बेटे की मिसाल है कि जब दाऊद का बेटा सुलेमान सल्तनत करता था तो सल्तनत बहुत अच्छी थी, अमन चैन सलामती थी, लेकिन जब उसका बेटा रुबाम सल्तनत करने लगा तो उसने दो लोगों से मशवरे किए। पहले उसने उसके बाप के साथ जो सलाहकार थे, मशीर थे, उनके साथ उसने सलाह की, वो बुजुर्ग थे, लेकिन उसने बुजुर्गों की बात नहीं मानी। कहते हैं ना बुजुर्ग बगैर बकरियां नहीं चलती। बुजुर्ग जो होते हैं वो सरमाया होते हैं, घर का भी, कौम का भी, किसी सल्तनत का भी। अगर किसी सल्तनत में मशीर अच्छे ना हो तो वो मशीर हुकूमत का, सल्तनत का बिना गर्क कर देते हैं। और ऐसे ही रुबाम के साथ उसने बुजुर्गों की सलाह को नहीं माना और उसने जो उसके साथ पले बड़े थे, उसके साथ जो जवान हुए थे, वो क्या उनके साथ उसने मशवरा किया। आज भी नौजवान कुर्तियां बढ़िया बांध गए, काम भज भज के करन गए, ते अद्धे तो ज्यादा नुकसान कर सकते, बाद का तो पूरा पूरा नुकसान कर देते, फिर कोई दंद काट देते, फिर को दंद काट देंगे, क्योंकि उन्होंने सलाहकारी, उन्होंने सलामा, उन्होंने राय चंगी नहीं। इसी तरह से इस बादशाह के साथ हुआ कि उसके जो उसके साथ पले बड़े थे, उसके साथ जो जवान थे, जब उनसे उसने मशवरत की,
वो जब उनसे उसने सलाह ली तो हुकूमत में फूट पड़ी। 12 कबीले इसराइल के थे तो वो 10 कबीले छोड़कर उसको चले गए। उन्होंने कहा तेरा कारतन मुबारक हो सांप अपनी हुकूमत, तो वो 2 कबीलों का बादशाह रह गया। गलत सलाह देने से, गलत राय देने से, गलत मशवरा देने से हुकूमत खत्म हो गई, डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई। इसी तरह हमारे घरानों में होता है, इसी तरह घराने बट जाते हैं गलत सलाह से, गलत राय से, गलत मशवरा। इसलिए जब भी सलाह करनी है, मशवरा करना है, कि किसी चंगे बंदे ने कराया तो चंगे रहो, फायदे से रहो। इसलिए मैंने कहा था कि कान खोल कर गौर से मेरी बातें सुनना, आप सबके लिए फायदा मंद। बेहतरीन मशवरा पाने के लिए बेहतरीन मशीन का चुनाव करें। सूट पहला उसकी पहली है मुबारक है, वो मशीनों की आनी पड़े। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीर लोग दुनिया के लोगों ना सलाह ना कराया करो। ये मेरी जाती जिंदगी का तजर्बा है कि जब हम लोगों के साथ, दुनिया के साथ सलाह करते हैं तो जिंदगी में नुकसान होता है, रूहानी जिंदगी तबाह होती है, खानदानी जिंदगी तबाह होती है। इसलिए चुनाव मशवरा करने के लिए अच्छा करें, ठीक है। घर बनाने की मिसाल मैंने आपको पहले दी कि घर बनाना है तो आप किससे मशवरा करेंगे? पोर्ची को जाओगे, कैटरिंग वाले को जाओगे, किसके पास जाओगे? हाँ जी, अगर कोई ख़ास बीमारी है, मिसाल के तौर पर हार्ट की आप पेशेंट हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? जनरल डॉक्टर को जाओगे, हार्ट पेशेंट के पास जाओगे, उससे मशवरा करो जिसने रिसर्च की हुई है, जिसने उसके जो वॉल हैं उन पर रिसर्च किया, जिसने उसकी एक एक वेन पर रिसर्च किया, आप उसके पास जाओगे तो फायदे में होगा। अगर आपकी स्त्री खराब हो, मोबाइल फोन वाले जाके कह दो कि ठीक कर, क्योंकि मोबाइल फोन वाला मोबाइल फोन ही ठीक कर सकता है, वो स्त्री नहीं ठीक कर सकता, और ना मोबाइल फोन वाला कोई और काम। वो जिस चीज का माहिर है वो वही करेगा, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन है वो इसलिए ठीक करेगा। बेहतरीन तजर्बा रखने वाले, बेहतरीन हिम्मत, बेहतरीन इलम या मार्फत रखने वाले आपको मुझे जरूरत है। हम ऐसे लोगों से मशवरा करें जो आपके लिए फायदा मंद। किसी इंसान का मशवरा हमेशा दुरुस्त या मफीद नहीं होता, किसी भी इंसान का मशवरा हमेशा दुरुस्त या मफीद नहीं हो सकता। मूसा शैमुल 16:23 आयत, 17:14 आयत और अजरा 4:4-5 आयत। जरा सारे सुन लिया करो, तो बारी बारी फटाफट पढ़ के एक बंदा ना बोले, फटाफट कटिया करो तो बोले करो। 2 शैमुल 16:23 आयत, 17:14 आयत, जल्दी से जरा। घर कलाम पढ़े करो, कलाम पढ़ोगे तो तुम पता होगा किताब कितने, तुम पता होगा किस कितने आई ना जी भाई, वो पढ़ दो जिन्हें कटे हैं वो ही पढ़ दे। दूसरा सैमुअल 16:23 है तो 17:14 है। और अर्टिकल की मशवरा जो इन दिनों होती ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। खुदा का एक बंदा था, मशीर था, बादशाह था, और उस वक्त वो हुकूमत में ऐसे ऐसे मशवरे देता था, उसकी मशवरत सिफुल थी, कलामी सिफुल है, वो बड़ी समझी जाती थी कि गोया खुदा ने बात कर दी है और खुदा काम कर। लेकिन एक वक्त आया कि उसी शख्स की मशवरत बातल हो गई। इसलिए इंसान पर कभी डिपेंड ना करें,
किसी इंसान की मशवरत पर डिपेंड ना करें, किसी की सलाह पर डिपेंड ना करें। हमारी सोच तब्दील हो सकती है, इंसान की सोच तब्दील हो सकती है, इंसान का दिल तब्दील हो सकता है, हमारे फैसले तब्दील हो सकते हैं। हमारे चेहरे देखकर हम एक दूसरे के फैसले करते हैं। रुपए पैसे के लालच में आकर या दबाव में आकर हम गलत फैसले करते हैं, गलत मशवरे दे देते हैं, गलत राय दे देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हर इंसान माहिर है, हिकमत किसी में हो सकती है, लेकिन रिश्वत लालच दबाव तलक इंसान हमारे काम नहीं आते, क्योंकि ये सब कुछ बगाड़ देते हैं। एक ऐसी हस्ती है जो बेहतरीन सलाहकार और मशीन है, वो खुदा है। वो कौन है? वो खुदा है, और उसका एक लकब मशीन है। उसका एक लकब मशीन है। कोई बता सकता है कि शायद वो कभी गलत नहीं हो सकता, खुदा कभी गलत नहीं हो सकता, इंसान गलत हो सकता, इंसान की सलाह गलत हो सकती है, इंसान का मशवरा गलत हो सकता है, इंसान की राय गलत हो सकती है, लेकिन खुदा कभी नहीं बदलता। खुदा सब कुछ जानता है, इसलिए खुदा बेहतरीन मुशीर है, बेहतरीन मशवरा देने वाला है, क्योंकि उसका कलाम बेहतरीन है। आमीन। इंसान की जो काम आपकी पहुंच से दूर है, जो बड़ा काम है,
उसके लिए खुदा से मशवरा करें, खुदा से सलाह। आमीन। एक पादरी साहब थे, वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब कलाम में लिखा है कि जब हम दुआ करेंगे तो खुदा पहाड़ों को उठा देगा। उसने क्या किया, टेबल पर एक पत्थर रख दिया, जैसे कि मोबाइल था उसने पत्थर रख दिया और कहा कि पादरी साहब दुआ करें ये पत्थर यहाँ से हट जाए। पादरी साहब ने खड़े पत्थर दे दिया। उसने कहा भाई साहब, मैंने कहा दुआ करें। उसने कहा भाई, जो काम मैं खुद कर सकता हूं वो खुदा को कहने की जरूरत नहीं है। खुदा ने मुझे कुव्वत दी है, खुदा ने मुझे अक्ल दी है, हिकमत दी है, मार्फत दी है, इल्म दिया है, और जो काम मैं नहीं कर सकता मैं उसके लिए दुआ करूंगा, खुदा वो भी। आमीन। छोटे छोटे जमीनी जो मामला हैं उनके लिए उसके साथ आजमाइश न करें। हम छोटे छोटे कामों में भी खुदा की आजमाइश करें, हमें बड़े बड़े कामों के लिए उसके अंदर जाना होगा। खुदा की हिकमत और इल्म रखने के बावजूद कलाम खुदा बेहतरीन मुश्किल है, कलाम खुदा बेहतरीन मुश्किल है। यीशु खुदा का जिंदा कलाम है, यीशु खुदा का जिंदा कलाम है। जबूर 1907 आयत, जल्दी से निकाले जबूर 19 उसकी 7 आयत, जबूर 32 उसकी 8 आयत, दानिश भी बख्शती है और क्या करती है। पहले क्या लिखा, खुदावंत की शरीयत कामिल है, वो जान को कामिल है। खुदा का कलाम मुकम्मल है, कामिल है, और ये कलाम आपको दानिश बख्शे। कोई दूसरा आपको दानिश नहीं बख सकता, एक ही है, वो जिंदा कलाम है, वो खुदा का कलाम है जो आपको दानिशमंद बना सकता है, क्योंकि वो अलीम कुल है, वो सब कुछ जानता है। 32 बाब की 8 आयत पढ़िए। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। मेरी नजर तुझ पर होगी और मैं तुझे सलाह दूंगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। तो हमें खुदा के कलाम की तरफ जाना है, ना कि दुनिया की तरफ जाना है, ना कि लोगों के पास जाना है, बल्कि हमें खुदा के कलाम की तरफ जाना है। हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, वो जो जिंदा खुदा का कलाम है, उससे सलाह लेने की जरूरत है, उससे मशवरा करने की जरूरत है। बोली में कुल है, वो सब जानता है। इसलिए मुझे और आपको यीशु की जरूरत है, जिंदा खुदा के कलाम की। खुदा की मर्जी और फैसलों का मजर होने के बाद कलाम में खुदा बेहतरीन सृष्टि 31:9-13, इशाया 55:11, खुदा अपनी मर्जी अपने लोगों पर जाहिर करता है जब हम खुदा के हजूर उसके कलाम से सलाह लेते हैं। खुदा आपकी जिंदगियों के मुश्किल फैसले वो करेगा, हम मशवरा करेंगे। तो उसके फैसले रास्ते हैं, उसकी मर्जी आपके लिए है। वो चाहता है कि आप कामयाब हों, वो चाहता है कि आप बहाल हों, वो चाहता है कि आप खुशहाल हों, वो चाहता है कि आप शिफा पाए। हालेलुया। हाँ जी पढ़े 55:11। इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस न आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो से पूरा जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी। खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम के पास जाएं, हम खुदा के पास जाएं, हम यीशु के हजूर
आ जाए, उसकी ख्वाहिश है कि वो कलाम जिससे आप मशवरा करने आए हैं, जिससे वो आप अपने अंदर लेने आए हैं, वो आपको क्या करेगा, खुदा की मर्जी पूरी करेगा। आमीन। हम डरते हैं कोई गलती ना हो जाए, हम बहुत डरते हैं अदालतों में फैसले कैसे होते हैं, कानून की जो किताब मुल्क की होती है उन अदालतों में उसी कानून की किताब के मुताबिक फैसले होते हैं, या जो बेशतर फैसले हुए होते हैं उन फैसलों का वो एग्जाम्पल देते हैं और फिर फैसले होते हैं। हमारा खुदा हमारी जिंदगियों के लिए, खानदानों के लिए, निश्चय के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए अपने राज को फैसले करते हैं। अगर मैंने कोई कारोबार शुरू करना है, बिजनेस करना है, पेशा अपनाना है, तो मुझे भी खुदा के कलाम से सलाह लेनी है। अच्छा पेशा बना, लिखा नहीं अच्छे पेशे बना, आपको गलत पेशे बनाने का तुम कहा, रिश्तेदारी के मुतालिक भी फैसले और मर्जी आपको इस किताब में मिले। हम रिश्ते करने के लिए बड़े मुश्किल में परेशान हुए, फैसले करने में हम मुश्किल परेशानी हुए, खुदा के लिए इस किताब से रहा। ये जो किताब है किताब मुकद्दस है, इससे रब्ता करें, ये सब कुछ बताएगी, ये आपकी जिंदगी के मुतालिक सब कुछ बताएगी, क्योंकि इसमें हिकमत है, इलम है, मार्फत है और खुदा की मर्जी और उसके फैसले इसमें। बरहक और राज होने के बायस किताब खुदा बेहतरीन मुश्किल, बरहक रास्त होने के बायस कलाम खुदा बेहतरीन मुशी है, ये सच्चाई पर मबनी है, तेरा कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम बरहक है, खुदा का कलाम रास्त है। और ये खुदा का कलाम जो है वसी है, ला महदूद है, इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई हद नहीं है, यह आपको सब कुछ बताएगा। पूरे 119 96 आए और 19 7 33 11 जमीनी जिंदगी बसर करने से लेकर कलाम आपको क्या बताएगा, जमीनी जिंदगी बसर करने से लेकर आसमानी बादशाह में दाखिले के मुतालिक सब बातें आपको बताएंगी, कि आपने जमीन पर कैसे जिंदगी बसर करनी है, आप कैसे आसमानी बादशाह में दाखिल हो सकते हैं, बच्चे की पैदाइश से वफात तक सब कुछ उस कलाम से आप हासिल कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं, इसकी सलाह में हमेशा के लिए कायम है, अब तक कायम रहे, हमेशा मुअस्सर और कामयाब होने के बायस कलाम खुदा बेहतरीन खुशी है। इब्रानियों 4 और उसकी 12 एक निकालें जल्दी से, इब्रानियों 4 और उसकी 12 इंच जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर। नंबर 1 खुदा का कलाम क्या है, जिंदा है। नंबर 2 मुअस्सर है, फायदेमंद है, असर करने वाला है, तासीर दिखाने वाला है। हाँ जी आगे, और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा, हर एक दो तलवारी तार से क्या है, शार्प है, तेज है जी,
और चांद और रूह और बन बन और बूढ़े को जुदा करके गुजर जाता है और हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को, हमारी सोचों को सब जानता है, सब जानता है। सुबूर 119 उसकी आयत नंबर 97 से 105 तक, हाँ मैं तेरी शरीर से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसका ध्यान रहता है, तेरे फरमान मुझे दुश्मन से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। तब कहता है कि तेरे फरमान, तेरी शहादतें, तेरे आयन, तेरा कलाम मुझे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अकलमंद क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान है, मैं उम्र सीधा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना, मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं, मैंने तेरे अहकाम से करारा नहीं किया क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है, तेरे कवानीन से मुझे फहमास होता है इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। और यीशु की किताब पहला बाप उसकी 8 आयत आप जबानी जानते हैं, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना दे आगे बल्कि दिन और रात क्या हो तेरा ध्यान ताकि तुझे इकबाल मंदी की राह और तू खूब कामयाब। अगर कामयाब होना है, अगर आपने इकबाल मंद होना है, अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप कलाम पढ़ेंगे, अगर आप कलाम में डूब जाएंगे तो ये कलाम आपको निखार देगा, ये कलाम आपको निखार देगा, इसका मशवरा मौसर और कामयाब है। बाद डॉक्टर के साथ हम जाकर मशवरा करते हैं, वो दवाई देता है लेकिन हम ठीक नहीं होते, फिर हम जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब राम नहीं है, ऐसे फर्क नहीं गया, लेकिन जब हम कलाम में खुदा में जाएंगे तो ये मुसर है, जिंदा है, दो धारी तलवार है, ये खालिस है, ये सच्चाई है, आमीन, ये हमेशा कामयाबी बख्शता है। सूर 119 घर जाकर पढ़िएगा तो बार बार कहता है मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, तेरा कलाम जिंदा है, मुझे अपने कलाम से जिंदा कर। सुबूर 119 घर में जाकर जरूर पढ़ना, इस कलाम से मशवरा लीजिए और से सुनिएगा, इस कलाम से मशवरा लीजिए, ये कलाम आपको कामयाब करेगा। अगर आप कलाम से मशवरा लेंगे, अगर कलाम को अपने अंदर रखेंगे, अगर आप कलाम तलावत करेंगे, अगर आप कलाम मतवाला करेंगे, अगर आप कलाम पर अमल करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, काम करेगा, इस कलाम से मशवरा करेगा, ये आपको खुदा के करीब नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं खुदा की कुर्बत, खुदा की हजूरी, तो इस कलाम से मशवरा करें, इस कलाम के साथ सलाहकारी करें, कहेंगे खुदा के कलाम है जिंदा कलाम, ए खालिस कलाम, ए मुअस्सर कलाम, मुझे सलाह मेरी सलाह कर, आप खुदा के करीब हो जाए, इस कलाम से मशवरा कीजिए, यह आपकी जमीनी जिंदगी को सुधार देगा। इस कलाम से मशवरा लीजिए, यह आपके रिश्ते क्लियर कर देगा, नथार देगा आपके रिश्तों को। इस कलाम से मशवरा करें, यह आपके कारोबार में आपको ऐसे गुर और फन सिखाएगा कि आप कारोबार में खूब कामयाब हो। असं अपनी तको दो अपनी दौड़ धूप ना लगे होने, अपने जोर अजमाई कर रहे हैं कि मैं कामयाब हो, लेकिन हम खुदा को उसमें शामिल नहीं करते, अपना पार्टनर नहीं बनाते, मशवरा नहीं लेते और इसलिए हम कामयाब नहीं होते। कामयाब होने की बजाय हम नुकसान में जा रहे हैं, अपने खुदा को पार्टनर बनाए, उससे मशवरा लें, वो आपके कारोबार को कामयाब कर देगा। इस कलाम से मशवरा लीजिए, आपकी जिस्म की सेहत, रूह की सेहत और आपकी रूहानी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। इस कलाम से मशवरा लीजिए,
ये आपको गुनाहों से रोकेगा। जब आप कलाम का मुताला करेंगे, खुदा का खौफ आपके अंदर होगा और आप गुनाह से रुकेंगे, गुनाह से भागेंगे, गुनाह से दूर हो जाएंगे। इस कलाम से मशवरा कीजिए, ये आपके खानदान को, आपके रोजगार को, आपकी कलीसिया को, आपके मुआशरे को, आपकी कौम को, आपकी सारी दुनिया को नकार देगा।